हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम गुप्त साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके विषय में हमने चर्चा की। और चंद्रगुप्त सेकंड के विषय में हमने देखा कि चंद्रगुप्त सेकंड एक महान विजेता था और कुशल प्रशासक के साथ साथ उसके समय में है वो जो सांस्कृतिक उत्कर्ष है वो भी हुआ। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड की मृत्यु के पश्चात है, या चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जब हम बात करें कि जो कुमारगुप्त प्रथम है वो गुप्त सम्राट बना, और गुप्त अभिलेखों में ये उल्लेख मिलता है कि जो कुमारगुप्त है वो चंद्रगुप्त की जो पत्नी ध्रुव देवी थी उससे उत्पन्न उसका सबसे बड़ा पुत्र था, और उसका जो गोविंदगुप्त है वो उसका एक छोटा भाई था। जो कुमारगुप्त के समय में जो एक तरह से हम कहें कि जो वैशाली का राज्यपाल भी था, जिसको हम जो वैशाड़ अभिलेख है उसमें ये जानकारी मिलती है कि वो गोविंद गुप्त है वो वैशाली का राज्यपाल भी था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि गोविंद गुप्त और कुमारगुप्त के बीच में उत्तराधिकार का कोई युद्ध हुआ और कुमारगुप्त ने गोविंदगुप्त को है वो शक्ति से हटा करके राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया, किंतु इसका कोई आधार हमें नहीं मिलता है। लेकिन ये हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो कुमारगुप्त है उसने 415 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ किया। इनके पिता, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त सेकंड थे, माता ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी थी, और गुप्त शासकों के अंदर है वो सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले शासक के रूप में वो कुमारगुप्त प्रथम को जाना जाता है, जिसने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी अर्थात लगभग 40 वर्षों तक है वो उसने शासन किया। और एक तरह से न केवल कुमारगुप्त को सबसे लंबा शासन करने का जो श्रेय है गुप्त शासकों में, सबसे लंबे समय तक है वो शासन करने का श्रेय प्राप्त है, अपितु जैसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से इसके गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा अभिलेख और सबसे ज़्यादा मुद्राएँ हैं वो भी कुमारगुप्त प्रथम की वो मिलती है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये मानी जाती है कि इसने ये कोई सब बहुत बड़ा विजेता नहीं था, उसने सारे भारत पर है गुप्तों के आधिपत्य को एक तरह से संरक्षित रखने का कार्य किया, और नए साम्राज्य का विस्तार किया, और नए साम्राज्य का कोई भाग है इसके समय में है गुप्तों गुप्त साम्राज्य से वाला हुआ, अर्थात एक तरह से है वो एक स्थिर नीति है वो अपनाने का श्रेय है वो इसको प्राप्त है। तो जो एक तरह से हम जो कुमारगुप्त के विषय में कहें कि कुमारगुप्त है उसने अनेक प्रकार की जो उपाधियां हैं, जैसे गुप्त शासक का वो धारण करते थे ऐसे अनेक प्रकार की अनेक उपाधियां हैं वो धारण की, लेकिन इसकी जो 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 हम कहें कि सबसे महत्वपूर्ण जो उपाधि है वो महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्रादित्य थी, अर्थात महेंद्रादित्य के रूप में है वो एक तरह से कुमारगुप्त है वो प्रथम को जाना जाता है। तो कुमारगुप्त है के कुमारगुप्त के विषय में जानकारी के लिए हमें अनेक एक प्रकार से क्या है कि जो अभिलेखिक साक्ष्य वो मिलते हैं, जिसमें लगभग 18 प्रकार के जो अभिलेख हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं, जिसमें ताम्रपत्र भी हैं और प्रस्तर खंड भी मिलते हैं, जिसमें धंधे का ताम्रपत्र है या दामोदर पुर का ताम्रपत्र है या व्याघ्र ग्राम का ताम्रपत्र है। तो इन जो ताम्रपत्र है उससे जो कुमारगुप्त के समय में जो भूमिदान दिया गया उसके विषय में जानकारी मिलती है। जबकि जो प्रस्तर की हम बात करें तो उसमें जो बिलसड़ का जो अभिलेख है उसमें गुप्त वंशावली मिलती है, गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है, और उसमें एक तरह से इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मतलब एक तरह से कुमारगुप्त के राज्यारोहण का उल्लेख भी इसमें मिलता है। इसके अलावा मथुरा गढ़वा आदि अनेक अभिलेख सांची है वो अभिलेख मिलता है, उदयगिरी का अभिलेख मिलता है और तुमेन का अभिलेख भी मिलता है, लेकिन सबसे प्रमुख जो अभिलेख है वो एक तरह से हम कहें कि मंदसौर का जो अभिलेख है वो कुमारगुप्त प्रथम का प्रमुख अभिलेख मिलता है, और जिसका लेखक जैसे आप जानते हैं कि वत्स भट्टी है, इससे एक तरह से इस अभिलेख का जो मंदसौर प्रशस्ति है या मंदसौर अभिलेख है उसका जो 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 लेखक है वो कुमारगुप्त प्रथम था और सॉरी वत्स भट्टी था। तो इसमें क्या है कि जो मंदसौर अभिलेख है उसमें एक तरह से ये जानकारी मिलती है कि गुप्त साम्राज्य
का इस समय है वो एक आर्थिक जो पतन है उसका दौर शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें जो लाट प्रदेश है उसके जो जो गुजरात के अंदर जो लाट प्रदेश है उसमें उसमें जो रेशम बुनकरों की जो श्रेणी थी पटवाई थी, तो वो लाट प्रदेश से है वो एक प्रकार से क्या है कि वहाँ से वो जगह छोड़ देती है लाट प्रदेश को, और उसके वहाँ से है वो दसपुर जो मंदसौर से आगे स्थित है वहाँ जाने का उल्लेख है, वो एक तरह से है वो उल्लेख मिलता है। तो जो रेशम बुनकरों की जो श्रेणी का जो पलायन है वो इस बात को सिद्ध करता है कि गुप्त काल के अंदर है या कुमारगुप्त के समय के अंदर है नगरों का पतन है वो शुरू हो जाता है। नगरों का पतन शुरू होने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का पतन होता है, तो इस समय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होनी प्रारंभ हो जाती है कुमारगुप्त के समय में। तो इसकी जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से, जिसकी रचयिता है वो एक तरह से है वो एक हम कहें कि वसभट्टी ने की, और इसके अलावा धनदेव का जो अभिलेख है उससे भूमिदान का उल्लेख हमें मिलता है कि हरिस्वामिनी नामक ब्राह्मण को है वो भूमिदान है वो दिया गया। तो धनदेव अभिलेख है वो एक तरह से भूमिदान क्योंकि इस समय प्रारंभ हो जाता है तो उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो पहाड़पुर का जो अभिलेख है वो एक तरह से क्या है कि उसमें भूमिदान के जो स्वरूप है उसका परिवर्तन हमें दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ भूमि खरीद करके है वो भूमिदान देने की प्रथा है, वो हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो 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 कुमारगुप्त है उस कुमारगुप्त के विषय में हम ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा संभावना ये व्यक्त की जाती है कि वो चंद्रगुप्त सेकंड का है, वो वास्तविक उत्तराधिकारी था, और जबकि जो गोविंदगुप्त है वो वैशाली और मालवा के जो का जो प्रांतीय शासक है के रूप में है वो कार्य कर रहा था, जो कि चंद्रगुप्त जो जो हम कहें कि कुमारगुप्त का भाई था। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से कुमारगुप्त की उपलब्धि केवल इतनी कही जा सकती है कि उसने गुप्त साम्राज्य को है वो स्तर रखा, नहीं तो उसके साम्राज्य कोई भाग है उसमें वृद्धि हुई और न ही कमी हुई, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और कुमारगुप्त के समय में जैसे मैंने बताया कि गुप्त साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो जो मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख है उससे ये जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी है उनका जो पलायन है वो इस बात को तय करता है कि नगरों की आर्थिक स्थिति है उस समय कमज़ोर हो जाती है। तो कुमारगुप्त के समय के अंदर क्या है कि जो एक तरह से हम कहें कि विभिन्न प्रांतों के अंदर है वो विभिन्न प्रांतीय शासक भी नियुक्त किए गए जिनको उपरिक महाराज है वो कहा गया था। तो जो प्रांतीय शासक है वो कुमारगुप्त के समय के अंदर है वो जो 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 एक प्रकार से नियुक्त किए गए थे, क्योंकि गुप्त काल के अंदर है वो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। तो इन प्रांतीय जो जो एक तरह से जो 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 अधिकारी हैं उनमें चिरादत्त है उसका उल्लेख मिलता है, दामोदर के ताम्रपत्र में उसका उल्लेख हुआ है, वो पुण्यवर्धन है हम कैसे कहें कि उत्तरी बंगाल है उसका प्रांतीय शासक था। इसी प्रकार बंधुवर्मन का उल्लेख मिलता है, जो बंधुवर्मा है जैसे जो मंदसौर अभिलेख में जानकारी मिलती है कि वो पश्चिमी जो मालवा में स्थित दसपुर है उसका राज्यपाल था। इसी तरह से क्या है कि एक तरह से हम कहें कि जो पृथ्वीसेन है उसका नाम भी है वो करमंडा अभिलेख में मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं घटोत्कच है वो एक तरह से क्या है कि इरण प्रदेश पूरी मालवा का जो शासक था तो उसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि जो जो कुमारगुप्त के समय की जो प्रांतीय अधिकारी है उनकी बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा कुमारगुप्त के विषय में जानकारी के लिए स्वर्ण मुद्राएँ, रजत मुद्राएँ और ताम्र मुद्राएँ भी मिलती हैं। तो कुमारगुप्त के समय के अंदर जो की जो मुद्राएँ मिलती हैं उनका वजन सबसे ज़्यादा मिलता है, और वजन जो सबसे ज़्यादा मिलता है इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि इसके समय में जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं के अंदर की एक प्रकार से हम कहें कि जो जो हम कहें कि उसमें मिलावट है वो एक प्रकार से है वो नज़र आती है। और उन मुद्राओं की एक विशेषता ये भी है कि उन मुद्राओं पर वो हमें एक प्रकार से क्या है कि मयूर है उसका अंकन मिलता है। तो एक तरह से क्या है कि जो 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 मुद्रा है उसके जो मुख पर है वो मयूर के खिलाते हुए राजा की आकृति मिलती है, और पृष्ठ भाग पर मयूर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। तो मध्य भारत के अंदर है वो कुमारगुप्त के समय में के अंदर रजत मुद्रा है उसका प्रचलन हुआ, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है कि विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएँ हैं उसमें हम कहें कि लगभग 14 प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो हमें मिलती है। अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्रहंता प्रकार, अश्वरायु प्रकार, धनुधारी प्रकार, गजरायु प्रकार, कार्तिकीय प्रकार आदि विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं हैं, और वो मुद्राओं पर है वो जो कुमारगुप्त की जो महेंद्रादित्य उपाधि है, श्री महेंद्र उपाधि है,
महेंद्र सिंह है, वह अश्व मेघ महेंद्र है, आदि उपाधियाँ हमें मिलती हैं। और जो मुद्राएँ एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो कुमारगुप्त है उसको उसके विषय में हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से है वो उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था, क्योंकि अश्वमेघ प्रकार की जो मुद्रा है उससे ये सिद्ध होता है कि कुमारगुप्त ने वो अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो जो कुमारगुप्त की मुद्राओं पर जैसे मैंने कहा कि कार्तिकेय कंकण मिलता है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो सैव धर्म का समर्थक प्रतीत होता है। तो इसके अलावा कुमारगुप्त ने जैसे मैंने बताया कि मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाए, कुमारगुप्त ने जो राजचिन्ह है गरुड़ के स्थान पर है वो मयूर का प्रयोग किया, और इसके समय के एक जो एक तरह से हम कहें कि जो 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 महत्वपूर्ण उपलब्धि है कुमारगुप्त के समय के अंदर है, या राजनीतिक उपलब्धियों की हम बात करें तो इसके समय के अंदर है वो एक तरह से क्या है कि जो जो पुष्यमित्र हूणों का आक्रमण है उसका उल्लेख मिलता है। तो स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है उसे ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के जो अंतिम वर्ष है उसमें गुप्त साम्राज्य पर पुष्यमित्रों का जो आक्रमण होता है, और उस और पुष्यमित्रों के आक्रमण के से है वो एक तरह से गुप्त लक्ष्मी है वो विस्तृत हो गई है, विस्तृत होने का वो उल्लेख मिलता है, और एक तरह से गुप्त साम्राज्य के अस्त्र होने का प्रमाण भी हमें मिलता है, का उल्लेख भी हमें मिलता है। तो इस तरह से गुप्त जो 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 कुमारगुप्त के समय में जो गुप्त साम्राज्य पर है या कुमारगुप्त के साम्राज्य पर है वो हमें जो पुष्यमित्र सूंगों का जो आक्रमण है वो हमें दिखाई देता है, उससे उसने जो गुप्त साम्राज्य है या कुमारगुप्त का जो साम्राज्य है उसको स्थिर करने का कार्य किया। तो इस गुप्त इस जो स्कंदगुप्त ने जो आक्रमण किया पुष्यमित्र ने जो आक्रमण किया और पुष्यमित्र ने इस आक्रमण को आक्रमण का मुकाबला करने के लिए है वो एक प्रकार से वो क्या है कि अपने युवराज है वो स्कंदगुप्त को भेजता है, और स्कंदगुप्त है वो एक तरह से पुष्यमित्रों को है वो पराजित कर देता है। तो इसका पराजय का जो इसका स्कंदगुप्तों से गुप्त साम्राज्य की रक्षा का जो श्रेय है वो युवराज को जाता है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कुमारगुप्त के प्रथम के समय के अंदर है एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि स्कंदगुप्त के स्त्री जो स्कंदगुप्त के जो भीतरी स्तंभ लेख से जो जानकारी मिलती है उसमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त युवराज के रूप के अंदर है, उसने स्कंदगुप्त ने पुष्यपुत्रों को पराजित किया, और पराजित कर करके जो 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 गुप्त साम्राज्य की जो विस्तृत गुप्त जो लक्ष्मी है उसको पुनः प्रतिस्थापित करने का वो कार्य किया, और एक तरह से क्या है कि इस ये पुष्यमित्रों को जो पराजित कर करके है वो उसने अपनी माता के पास जो पहुंचा तो उस समय है वो एक प्रकार से क्या है कि जो एक प्रकार से उनकी जो जो हम कहें कि माता विधवा हो चुकी थी। तो इसके पुष्यमित्रों को के जो कुमारगुप्त है उसके समय के अंदर एक सबसे बड़ा संकट हूणों का था, और जो भारत की जो पश्चिमोत्तर भाग में रहते थे और उसने उन्होंने क्या है कि पुष्यमित्रों के अलावा है वो उन्होंने भी स्कंदगुप्त के समय कुमारगुप्त के समय में आक्रमण किया, और इस समय भी है क्या है कि एक तरह से जो कुमारगुप्त है वो वर्ध हो चुका था इसलिए अपने युवराज स्कंदगुप्त को भेजा, और हूणों के विरुद्ध है वो जो स्कंदगुप्त से है वो भयंकर युद्ध हुआ, और इसमें भीतरी स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि इससे सारी पृथ्वी कंपित हो गई, और उसे अपने कुछ रातें वो स्कंदगुप्त को है वो युद्ध भूमि के अंदर बिना बिस्तर किए है वो जमीन पर सोकर को बितानी पड़ी। तो इस तरह से हूण भाग गए और गुप्त वंश की जो शक्ति है वो पुनः स्थापित हुई। तो एक तरह से क्या है कि स्कंदगुप्त के समय के जो कुमारगुप्त के समय में है जो स्कंदगुप्त है उसी ने ही है वो पुष्यमित्रों और जो एक तरह से हम कहें कि जो हूण है उन आक्रमणों का सामना किया, और दोनों को ही है उन्होंने पराजित किया, और जो जो उन दोनों आक्रमणों से जो गुप्त साम्राज्य अस्त्र हो रहा था उसको अस्त्र होने से बचाने का जो कार्य है वो एक तरह से हम कहें कि स्कंदगुप्त ने युवराज रहते हुए किया। तो और कुमारगुप्त के समय की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसके समय में जो 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 बौद्धों का एक महत्व बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जिसको नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की नींव है वो भी एक प्रकार से क्या है कि जो हम कहें कि कुमारगुप्त प्रथम के समय के अंदर वो हुई, और जो हम ये कहें कि जो जो हिंसांग है वो एक तरह से ये उल्लेख करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो शक्रादित्य ने की, और शक्रादित्य है वो एक प्रकार से है वो कुमारगुप्त की वो उपाधि है वो मानी जाती है। तो मंदसौर जो प्रशस्ति है उसमें मंदसौर के जो राज्यपाल के रूप में है वो बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है, और उसमें ये उल्लेख मिलता है कि जो बंधु वर्मा है जो मंदसौर का राज्यपाल था उसने है वो
एक प्रकार से वो सूर्य मंदिर का वो निर्माण करवाया। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि जो 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 यद्यपि कुमार गुप्त है वो प्रथम है वो शैव धर्म का अनुयायी था लेकिन धार्मिक शिष्य था। कुमार गुप्त के समय के अंदर है वो हमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी मान जाते हैं कि इसके जो अनेक अभिलेख हैं वो हमें एक प्रकार से हम कहें कि सबसे ज़्यादा अभिलेख है वो कुमार गुप्त के वो मिलते हैं। लेकिन जो ये अभिलेख मिलते हैं उन अभिलेख के अंदर जैसे मैंने मंदसौर अभिलेख की हमने चर्चा की, बिलसत का अभिलेख जिसमें गुप्त वंशावली है वो एक तरह से मिलती है। इसके अलावा सांची का जो अभिलेख है उसकी हमने चर्चा की जिसके अंदर हरिस्वामिनी के द्वारा है वो एक तरह से क्या है कि आर्य संघ को वो दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। और जो उदयगुरु का जो अभिलेख है उसके अंदर है वो शंकर नामक व्यक्ति द्वारा स्थान पर है वो पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख हमें मिलता है। तुमेन का अभिलेख है और जो बंगाल से क्या है कि जो कुमारगुप्त है उसके तीन अभिलेख मिलते हैं, धंधे का ताम्रपत्र और दामोदर ताम्रपत्र और वेग्राम ताम्रपत्र, ये तीन अभिलेख हैं वो हमें बंगाल से मिलते हैं। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि बंगाल है पर एक प्रकार से क्या है कि कुमारगुप्त का वो अधिकार था। तो इसके अलावा जो कुमारगुप्त है उसने एक तरह से हम कहें कि उसने परम भट्टारक महाराज राज परम देवत है उसकी उपाधि दान की। तो इसके द्वारा न केवल जो 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 बौद्धों को अपितु ब्राह्मणों को भी है वो भूमिदान देने का वो उल्लेख है वो हमें मिलता है। तो कुमारगुप्त के विषय में यदि हम कहें कि जो 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 कुमार जो जो हम कहें कि जो कुमारगुप्त है उस वो एक तरह से क्या है कि यदि हम कुमारगुप्त के विषय के अंदर निष्कर्ष रूप में यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है वो शांति का और एक सुव्यवस्था का शासनकाल था। तो उसने एक तरह से उसके समय में गुप्त साम्राज्य वो अपने प्रकाष्ठ पर पहुँचा लेकिन गुप्त साम्राज्य का जो पतन है वो भी प्रारंभ हो जाता है। और एक तरह से क्या है कि जो जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के अंदर सेकंड ने जो एक विशाल साम्राज्य जो स्थापित किया था उसको संगठित और सुशासित करने का जो कार्य है वो कुमारगुप्त ने किया। यद्यपि उसकी जो विजय है वो कोई विजय नहीं थी लेकिन एक तरह से उसने है वो जो गुप्त साम्राज्य उसकी जो सैनिक शक्ति है उसको क्षुण्ण होने दिया। तो इसके शासनकाल के जो अंतिम वर्ष में है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक गुप्त साम्राज्य अस्त्र हो जाता है पुष्यमित्रों का जो आक्रमण होता है लेकिन पुष्यमित्रों के आक्रमण को भी उसने उसके युवराज है उसके जो पुत्र है स्कंदगुप्त ने उसको दबा दिया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पुष्यमित्रों से गुप्त साम्राज्य की रक्षा करना है वो एक कुमारगुप्त की एक तरह से कम गौरव की बात नहीं थी। और इतना जो विशाल साम्राज्य था जिसकी सीमाएं हैं उत्तर के अंदर हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक थी, इतने बड़े विशाल साम्राज्य को है वो जो कुमारगुप्त है प्रथम है वो एक तरह से क्या है कि उसको एक तरह से अक्षुण बनाए रखने के अंदर है वो एक प्रकार से है वो सफल रहा। और इस कारण से उसकी जो उसने जो उपाधि धारण की वो उसने अपने जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि और अपने जो उपाधियों से ये प्रतीत होता है कि उसने अपने पिता की भांति है वो वीर यशस्वी वो शासक था और अपनी मुद्राओं पर अंकित लेख में उसकी शक्ति और वैभव है उसकी सूचना वो हमें मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुमारगुप्त है उसने गुप्त साम्राज्य की जो गरिमा है उसको सुरक्षित रखा और एक तरह से क्या है कि गुप्त साम्राज्य के अंदर वो शांति है और जो एक तरह से जो 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 सुखपूर्वक जीवन है वो एक तरह से वो बना रहा। तो चंद्रगुप्त सेकंड के पश्चात है वो गुप्त साम्राज्य का जो एक महत्वपूर्ण शासक था जिसके विषय में हम कह सकते हैं कि इसने सबसे ज़्यादा समय तक वो शासन किया और इसने नए साम्राज्य का विस्तार किया और नए साम्राज्य इसके समय के अंदर है वो घटा। लेकिन गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति है वो दयनीय आर्थिक स्थिति है वो प्रारंभ हो जाती है क्योंकि इसके जो मुद्रा मिलती हैं उन मुद्राओं के अंदर मिलावट है वो काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलती है। इसके विषय में जानने के जो पुरातात्विक स्रोत है जिसमें हम अभिलेख और जो जो कॉइन्स की बात करें वो सबसे ज़्यादा वो हमें मिलती है। लेकिन नगरों का जो पतन मंदसौर अभिलेख से जो नगरों का पतन हमें दिखाई देता है और जो 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 रेशम बुनकरों की जो 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 श्रेणी है उसका जो प्लान दिखाई देता है उससे ये प्रतीत होता है कि इसके समय में है वो हालांकि राजनीतिक रूप से तो एक तरह से साम्राज्य की सीमाओं को उसने सुरक्षित रखा लेकिन अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे है इसके समय में वो कमज़ोर होने वो प्रारंभ हो जाती है। और क्योंकि इस समय में जो भूमिदान है वो भी एक तरह से है उसके कारण से भी है वो एक प्रकार से गुप्तों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होती है लेकिन फिर भी है वो इस समय के जो दो विदेशी आक्रमण है हूण और जो पुष्यमित्रों के जो आक्रमण है
उससे वो गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने के अंदर है, वो एक प्रकार से वो कुमारगुप्त है, वो सफल रहता है। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड के पश्चात है, लगभग जिसने 40 वर्ष तक है वो गुप्त, अब तक के गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने का दूसरे है वो कुमारगुप्त, या जिसको महेंद्रादित्य कहते हैं, उसको जाता है। तो उसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, और उसके पश्चात जो गुप्तों का एक अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक था, जिसको एक महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं, वो स्कंदगुप्त था, जिसको 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 इतिहास के अंदर है वो क्रमादित्य के नाम से जिसको जाना जाता है। तो कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हूण आक्रमण के पश्चात जब वो वापस अपने 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 एक तरह से अपनी मदर के पास जाता है, तो उस समय उसका जो पिता है वो एक तरह से उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो इस तरह से कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात वो 455 ईस्वी के अंदर है, वो कुमारगुप्त का लड़का स्कंदगुप्त है, वो कर्मादित्य की उपाधि धारण कर करके है, वो एक तरह से क्या कि वो शासक बनता है। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बड़े और सोतेला भाई जो पुरुगुप्त है उसके मध्य उसका संघर्ष होता है, और पुरुगुप्त को पराजित करके स्कंदगुप्त वो शासक बन जाता है। तो इसके समय के अंदर क्या है कि जो 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 उपलब्धियाँ स्कंदगुप्त की उसके विषय में केंद्र है, वो अगले व्याख्यान के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम है, वो चंद्रगुप्त सेकंड के पश्चात है, वो एक महत्वपूर्ण शासक था। थैंक यू। जय जय भारत।